सहरसा फारबिसगंज रेलखंड पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आम यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर भी आई है। इसके साथ ही हम इस रूट पर कब से ट्रेन चलेगी इसकी भी अपडेट हम लेकर के आए हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सहरसा फारबिसगंज आमान परिवर्तन के तहत प्रतापगंज तक पहुंची मालगाड़ी। ललितग्राम स्टेशन पर बिछाई जा रही है पटरी और इसी से जुड़ी आज का हमारा पूरा जानकारी रहेगा। फारबिसगंज आमान परिवर्तन के कार्य में तेजी आ चुकी है और इस साल के अंत तक सहरसा से फारबिसगंज तक ट्रेन चलाने की तैयारी भी हो जाएगी पूरी। सहरसा से राघोपुर तक पिछले साल सितंबर के महीने में आमान परिवर्तन पूरा कर डेमू ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया गया था और ऐसे में 2008 में कुशहा त्रासदी के बाद सहरसा से फारबिसगंज तक रेल सेवा बंद है। बाढ़ ने कई किलोमीटर ट्रैक को बहा दिया था और 12 साल पहले आखिरी बार छोटी लाइन की ट्रेन चली थी। प्रतापगंज पहुंची रेल इंजन और ललितग्राम तक पटरी बिछाई जा रही है। राघोपुर में भी इसको लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है। फारबिसगंज स्टेशन पर भी निर्माण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। तो वहीं 12 किलोमीटर लंबे राघोपुर से प्रतापगंज तक पुल संख्या 38 होते हुए इंजन का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया। ललितग्राम स्टेशन पर पटरी बिछाने का कार्य शुरू कर लिया गया है और 8 किलोमीटर लंबे प्रतापगंज से ललितग्राम के बीच ट्रैक लिंकिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। इस क्षेत्र के लोग लंबे समय से बड़ी लाइन के इंतजार में बैठे हुए थे। सहरसा फारबिसगंज आमान परिवर्तन कार्य के साथ विद्युतीकरण भी किया जाएगा। रेलवे की ओर से बड़ी अपडेट आ चुकी है। रेलवे सभी रेलखंड पर विद्युतीकरण कार्य पूरा कर इलेक्ट्रिक रेल इंजन चलाना चाहती है। ऐसे में सहरसा सुपौल सरायगढ़ तक विद्युतीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च के अंत तक इस रूट पर भी इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ेगी। तो ये था आज का अपडेट। नए अपडेट में कुछ और भी ताजा जानकारी हम सहरसा की लेकर के आएंगे। उसका अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।